अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में चॉकलेट केक। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 212 ग्राम्स है ये, आप ग्राम्स में भी ले सकते हैं। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप। बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून। इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। वेनिला एसेंस भी 1/2 टीस्पून। 1 कप मैंने शुगर लिया है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 अंडा लिया है। 6 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है और 1 कप ऑफ मिल्क हम इसमें यूज़ करेंगे, ये नीम गर्म मिल्क है। तो चलें हम अब रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं केक बनाना। अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं पहले मैदे को। स्ट्रेन करने से ज़रा अच्छा सा रह जाता है, इसका टेक्सचर अच्छा बन जाता है। कोको पाउडर, जो होता है उससे भी बीट कर सकते हैं इसको, इससे भी आप इस कर सकते हैं, इसको मिक्सिंग कर सकते हैं इसकी। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं और डाल देते हैं। सॉल्ट को मैंने स्ट्रेन नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मोटा है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और अब हम इसको भी स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि जब हम इसको बीट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके ऊपर से वेट मैंने इसका उतार लिया है। ये देखें, इसको हमने वेट नहीं लगाना, ऐसे ही रखेंगे और मगर इसका रबड़ आप लगने देंगे, रबड़ तो नहीं उतारेंगे। इसमें मैंने 1 से 1.5 कप नमक डाल दिया है। पहले आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखें 5 मिनट्स के लिए और बाद में आप इसको 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हम इसमें बेक करेंगे। हम इसमें ऑयल डाल देंगे, साथ ही हम इसमें एग ऐड करेंगे। अब ये जो हमारे पास मिल्क है इसके अंदर हम कॉफ़ी को मिक्स करते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें वेनिला एसेंस भी ऐड कर रहे हैं और मिल्क को हम 2 पार्ट्स में इसमें ऐड करेंगे। कॉफ़ी वाले अपने मिल्क को अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि आपकी कॉफ़ी अगर नीचे बैठ गई है थोड़ी सी तो वो भी मिक्स हो जाए। डालेंगे और पहले हम इसे लो बीट करेंगे, पहले तो ऐसे ही हल्का सा बीट कर लूँ क्योंकि शुगर पाउडर और बाकी पाउडर्स फूलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हम इसको स्पैचुला से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि ये पाउडर भी नीचे आ जाए। अब हम इसे हाई पे करेंगे और कितना स्मूथ है ये, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए तो आपका केक बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ कि कहीं पाउडर है तो मिक्स हो जाए, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा बीट करूँगी। ऐसे कोई सांचा लेकर आप भी उसमें अच्छी तरह चारों तरफ से ऑयल लगा लें, बेशक आप जो जिसमें बर्फ़ जमाते हैं वो वाला प्याला ले लें। इस तरह से अच्छी तरह इसकी आपकी ऑयलिंग करके, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इस पर बटर पेपर यूज़ करेंगे, नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें इसी तरह ऑयलिंग करके। ये मैं पहले काफ़ी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ इसलिए आज मैं बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। और बटर पेपर को भी ऊपर से स्मूदी करने के लिए आप ऐसे ही करेंगे, के ऊपर तक ऑयल आना चाहिए, अच्छी तरह से ऑयलिंग होनी। चलें अब हम इसमें डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका देखें, बहुत स्मूथ है और ऐसे ही सॉफ्ट बनेगा ये। अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से आप उतार लें इसको।
देखिए हमने इसमें डाल लिया है। अब इसके जो बबल्स हैं इसमें, इसको आप थोड़ा सा टैप करें ताकि इसके जो बबल्स हैं वो निकल जाएं। देखिए टैप करने से निकल रहे हैं। अपने प्री हीटेड प्रेशर कुकर में एक स्टैंड रख देते हैं। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप कोई ढक्कन लेके उसे उल्टा करके कुकर में रख दीजिएगा। हम नमक इसलिए डालते हैं ताकि हमारा केक जले ना, इसलिए हम इसमें नमक डाल के रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा गर्म है ये। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 25 मिनट्स के लिए रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे रखिएगा आप, और 25 मिनट्स के बाद आप इसे चेक कर लें। 25 तो 30 मिनट्स में केक रेडी हो जाएगा। 35 मिनट्स हो गए, अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं कि बेक हो गया या नहीं। देखें अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम केक को निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत केयरफुली निकालिएगा क्योंकि बहुत गर्म है ये। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बेक हुआ है केक। मैं बहुत आराम आराम से इसका बटर पेपर उतार लेती हूँ फुल, और इसको आप बटर पेपर उतार के इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने कैसे असेंबल करना है। देखिए मैं आपको केक की कटिंग बताती हूँ कि आपने केक की कटिंग कैसे करनी है। देखिए पूरी नाइफ नहीं डाल रही मैं, स्मूदी काट रही हूँ इसको। देखिए ऐसे इसमें मैं धागा डाल रही हूँ। देखिए जहाँ जहाँ से हमारा सेंटर में से, क्योंकि हमने नहीं काटा था, अब ये जो हमारा धागा है ये इसको आराम से सेंटर से अलग कर देगा। इसके देखें कितना इजीली हमने कितना स्मूथ केक काट लिया है, कितना ज़बरदस्त कटा है ये, बैलेंस्ड है बिल्कुल। केक ठंडा हो गया। अब मैंने इसके लिए शुगर सिरप रेडी किया है। ये देखें ऐसे इसमें मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है और 1/2 से थोड़ा कप पानी का है, वो गर्म है। तो इस तरह से अच्छी तरह इसको डिज़ोल्व करके अब हम इस पर काफ़ी करके डाल देंगे सिरप को, ताकि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने। अब इसी तरह मैं इस पर भी डाल लेती हूँ दूसरी साइड पर इसका जो है। इसको मैंने डेकोरेट करने के लिए थोड़ी आइसिंग शुगर डाली है, और ये जो फ्रॉस्टिंग है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ईजी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।